Hey cuties, welcome to Reena's Wardrobe. So guys, in today's video, I'm going to share my Meesho co-ord set haul. So yes guys, without any further ado, let's get into the video. So guys, I will be linking all the products in description box, so you can go and check that out. Well, I have 4 to 5 sets right here with me. So, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एंड इनकेस अगर आपको जानना है कि ये क्या है, सो ये भी एक कॉर्ड सेट ही है जो कि इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने शेयर किया था वो कॉर्ड सेट. सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं वीडियो. एंड आज का जो वीडियो है ना, वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि हम बेस्ट चीज़ें ही पिक करते हैं मीशो से, ऐसा नहीं होता. लाइक मैं सोचती हूँ कि ये जो है ये ट्रेंड में है तो इसको पिक करते हैं एंड इसका रिव्यू शेयर करते हैं कि कैसा ये रिसीव होने वाला है. तो आज जो है एक प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो होने वाला है मेरा. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. ओके, सो फर्स्ट आई हैव दिस सेट राइट हियर. ये बहुत ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है आजकल एंड मल्टी कलर में ट्रेंड कर रहा है. सो इन दिस सेट यू विल गेट वन पजामा एंड शर्ट. ओके, कलर ऑप्शन काफी सारे थे. आई गॉट दिस व्हाइट कलर बिकॉज काफी डिसेंट सा मुझे लग रहा था व्हाइट कलर. सो या गाइस, दिस इज हाउ द शर्ट लुक्स लाइक. इट्स इन द फैब्रिक प्योर कॉटन एंड इस पे फ्लोरल सॉर्ट ऑफ डिटेलिंग हो रखी है जो कि काफी ज्यादा क्यूट सी लग रही है. एंड व्हाइट पे जो कलर कॉम्बिनेशन ना काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है. एंड यू नो इट हैज दीज बटन काइंड ऑफ डिटेलिंग जिनको आप ओपन भी कर सकते हो. फुल स्लीव्स में आपको शर्ट मिल जाएगी. फ्रंट में बस ये लुक मिलेगा, बाकी आपको बैक से कुछ ऐसा मिलेगा. एंड यू नो इसमें ब्रांड नेम मेंशन है ज़ारा. वाओ. एंड इसी के साथ इसका ये ट्राउजर रिसीव होगा जो कि इलास्टिकेटेड है, पॉकेट्स हैं दोनों साइड. ये चीज बहुत अच्छी है एंड इतनी कुछ लेंथ इसकी आने वाली है, बिल्कुल बेसिक सा है. सो आई डोंट नो कि यू नो वेयर करने के बाद ये पीस कैसा लगेगा, तो चलो अभी इसको ट्राई करके देखते हैं. एंड उससे पहले प्राइस की बात करें, सो गाइज आई गॉट दिस वन फॉर रुपीज 743 एंड आई मीन दिस साइज मीडियम. तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं. सो गाइज, इट लुक्स वेरी क्लासी, बट आप इसमें ब्लैक और लेवेंडर कलर में से कोई बाय करना. व्हाइट जो है एक तो बहुत डर्टी हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा वो नेता वाली वाइब दे रहा है. तो आप इसमें ब्लैक या लेवेंडर कलर के लिए जाना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लासी लुक आपको देने वाला है. सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है. सो गाइज, बात करें हमारे सेकंड पीस की, ये बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंसर्स बाय कर रहे थे इसको, तो मैंने भी इसको बाय किया. बट मैंने इसको बाय किया था ब्लू कलर में या ब्लैक कलर था वो, एंड उन्होंने मुझे सेंड ये रेड कलर कर दिया. बट कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं हम लोग. कलर काफ़ी क्यूट लग रहा है नो डाउट. सो यू नो इसमें आपको एक क्रॉप शर्ट मिलेगी एंड बॉटम में आपको पजामा सॉर्ट ऑफ मिलेगा. तो सबसे फर्स्ट फैब्रिक की बात करते हैं. सो गाइज, इट हैज़ यू नो ज़ेब्रा प्रिंट जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इलास्टिकेटेड वेस्ट एंड इट हैज़ पॉकेट्स ऑल्सो. सो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी लग रही है. लेंथ जो है इसकी काफ़ी लॉन्ग लग रही है देखने में. अभी ट्राई ऑन तो हम कर ही लेंगे. सो इलास्टिकेटेड वेस्ट है, फैब्रिक है इसका पॉलिएस्टर. काफ़ी प्यारा फैब्रिक फील हो रहा है ऐसे देखने में ही. क्वालिटी की बात करें ना, तो काफ़ी बढ़िया वाली क्वालिटी रिसीव हुई है. स्टिचिंग एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड नोन एज फैश वन एंड आई मीन दिस साइज स्मॉल. सो चलो इसकी बात करें प्राइस की, सो गाइस आई गॉट दिस वन फॉर रुपीज़ 571 एंड आई मीन दिस साइज स्मॉल. तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि ट्राई करने के बाद ये कैसा लगता है. सो दिस इज हाउ द सेट लुक्स लाइक ऑन मी. फिटिंग जो है इसकी वो थोड़ी सी इधर उधर है, तो मुझे ये पैंट्स की फिटिंग इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई. दैट्स द रीजन मैं इसको शायद ही रखूंगी. आई एम लाइक डाइसी अबाउट इट. तो देखते हैं कि रखती हूँ नहीं रखती, बट आप बताना कि मुझे इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. एनीवेज, ओवरऑल फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक है एंड मैंने इसको स्टाइल किया है व्हाइट हील्स के साथ एंड व्हाइट बैग के साथ, बिकॉज थोड़ा सही सा लुक हो जाता है. फ्रंट लुक कुछ ऐसा आएगा, बैक से कुछ ऐसा लगने वाला है. इसको आप ओपन भी कर सकते हो एंड यू नो इट हैज़ ज़ेब्रा प्रिंट जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा है. कलर जो था मैंने कोई और ऑर्डर किया था, मुझे रिसीव कुछ और हो गया, बट कोई बात नहीं. ये भी कलर अच्छा लग रहा है, बस पैंट की फिटिंग की वजह से शायद मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ, बिकॉज अच्छी फिटिंग नहीं लगी मुझे पैंट्स की. Trust me, okay? So guys, next we have this set right here and this one is the most expensive set I ever got from Amazon.
नो मीशो सॉरी वी आर डूइंग मीशो हॉल ओके सो मीशो लाइक ये मुझे कुछ 1100 समथिंग का दिख रहा था बट ये काफी क्यूट सा लग रहा था तो मैंने अब बाय करा. मतलब ऐसे क्यूट क्यूट आउटफिट मुझे बहुत पसंद है एंड तो मैंने इसको बाय कर लिया. सो इन दिस सेट यू विल गेट दीज यू नो शॉर्ट्स क्यूट शॉर्ट्स एंड दिस क्रॉप टॉप एंड यू नो इसका कलर भी काफी क्यूट है लेवेंडर तो मैंने बाय कर लिया. तो सो गाइज दिस इज हाउ द शॉर्ट्स लुक्स लाइक. ये जो फैब्रिक है लाइक्रा फैब्रिक है काफी थिक काफी अच्छा फैब्रिक है और इसके ना वेस्ट के अराउंड आपको ऐसा कुछ ड्रॉस्टिंग मिलेगी जिसको आपको टाई करना रहेगा तो काफी फ्रंट लुक काफी क्यूट है. देन आपको ये बॉटम में ना ऐसा रफल सॉर्ट ऑफ डिटेलिंग मिलने वाली लगने वाली क्या मिलने वाली है बड़ी क्यूट सी लग रही है एंड बैक से इलास्टिकेटेड लुक है एंड या मतलब शॉर्ट्स काफी क्यूट है वो स्कर्ट काइंड ऑफ लुक दे रहे हैं और इसके साथ रिसीव होगी यू नो दिस क्यूट क्रॉप टॉप. लाइक इसका हाई नेक काइंड ऑफ लुक आएगा एंड दिस वन इज स्लीवलेस तो काफी क्यूट सी लग रही थी. अगेन इट्स इन द फैब्रिक यू नो लाइक्रा. सो ओवरऑल जो सेट का फैब्रिक है वो काफी अच्छा है बट 1100 का ये सेट लाइक मैं सोच रही हूँ कि मैंने ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं बाय कर लिया फ्लो फ्लो में कि ठीक है ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो. मतलब आजकल मुझे मीशो पे जितने भी कॉर्ड सेट दिखते हैं ना मैं रैंडमली बस ऑर्डर करती जा रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे हॉल शेयर करना है आप लोग के साथ अच्छे अच्छे. सो अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि यार 1100 रुपये क्यों लगाए रीना तूने. बाकी चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसा ये यू नो लगता है वॉर्थ इट है या नहीं है वो तो ट्रायल में पता चल ही जाएगा. ओके सो यस मैंने सेट वेयर कर लिया एंड आई नो कि कुछ लोगों का ये टेस्ट नहीं होगा इस टाइप के शॉर्ट्स बट ऐसे टाइप के शॉर्ट्स काफी अच्छे लगते हैं इनकेस अगर आपको थोड़ा भी टमी है लाइक मुझे भी अभी थोड़ा टमी है तो इसलिए काफी चीज से हाइड कर लेता है तो ना दिखता नहीं है तो इसलिए मुझे बहुत ही सही लगता है इस टाइप के शॉर्ट्स. वो स्कर्ट काइंड ऑफ लुक आ रहा है रफल काइंड ऑफ डिटेलिंग है तो बहुत ही सही से शॉर्ट्स है एज वेल एज यहाँ पे ना ऐसे बेल्ट काइंड ऑफ डिटेलिंग मिलेगी जिससे कि आप फेस को थोड़ा टाइट कर सकते हो. और ये बेसिक सी क्रॉप टॉप है इसके साथ ये ना थोड़े हाई वेस्ट है नेवल मेरी यहाँ आ रही है और ये इतने आ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा हाई वेस्ट तो नहीं है बट ओकेश काइंड ऑफ है. सो कुछ ऐसा फ्रंट लुक आएगा और बैक से कुछ इस टाइप का लुक आने वाला है. बैक से ये यहाँ पे इलास्टिक भी लगा हुआ है इसमें सो बहुत ही ना क्यूट सा सेट है. हाई नेक मिलेगा ये टॉप एंड इसको आप और भी यू नो बॉटम वेयर के साथ स्टाइल करोगे तो बड़ा अच्छा सा लुक आएगा. तो ओवरऑल मुझे काफी क्यूट सा ये पीस लग रहा है बट आई नो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. इनकेस अगर आपको ये थोड़ा सस्ता कहीं मिल जाता है तो आप इससे बाय कर सकते हैं. लाइक 500 to 600 का मिले तो बाय कर लेना उससे ज्यादा का इसकी वॉट नहीं है. ओके नेक्स्ट लास्ट जो पीस है ना वो ये है और ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी. आप चाहो तो वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हो आज की वीडियो यहीं समाप्त होगी ये लास्ट पीस हॉल का पर फिर भी आप देखना चाहो तो मैं बता देती हूँ क्यों. क्योंकि यार इसको मैंने बाय किया था 539 रुपीज का एंड इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत वाहियात है. मतलब जो बाकी सेट्स है ना उनकी फैब्रिक क्वालिटी से मुझे कोई इशू नहीं है स्टिचिंग क्वालिटी से कोई इशू नहीं है. फैब्रिक तो अच्छा दिया है ना उन्होंने पैसा लिया इन्होंने तो फैब्रिक बहुत ही गंदा दिया था वाहियात. और पता नहीं मैंने ये सेट क्या सोच के बाय किया था मुझे लगा कि ऑर्गेन्जा सॉर्ट ऑफ फैब्रिक होगा थोड़ा अलग सा कुछ फैब्रिक होगा बट ये बहुत ही थर्ड क्लास का फैब्रिक है और ऐसी बस सेट ऐसा तो मम्मी खुद ही सिल लेंगी घर पे वो वाला लुक आ रहा है इसमें और 539 मेरे जो है वेस्ट हो चुके बट डोंट वरी मैं इसको रिटर्न कर दूंगी तो वो मुझे रिफंड हो जाएगा बट आप मत बाय करना. ओके सो इसके साथ ना ऐसे कुछ पैंट्स रिसीव होगी जिनकी कोई फिटिंग लगी नहीं रही. मतलब ये यहाँ पे आना चाहिए देखो ये कितनी हाई वेस्ट है कोई ऐसी हाई वेस्ट भी नहीं लग रही मुझे देख के. मतलब क्या सा लुक आ रहा है देखते हैं ट्राई करके आने के बाद कैसा लगेगा. मैंने इसको ऐसे रेंडमली वेयर तो करा था बट मुझे नहीं समझ आया ये कुछ. सो या एंड बैक से इलास्टिकेटेड लुक मिलेगा पॉकेट्स मिलेगी. मतलब ओवरऑल कुछ अच्छा लुक नहीं है बहुत थिन और बहुत सी थ्रू फैब्रिक है तो अच्छा नहीं लगा मुझे फैब्रिक. और इसके साथ रिसीव होगी ये टॉप जिसको मतलब बहुत ही थर्ड क्लास है. आई मीन ये मेरी मम्मा इजिली घर पे बना सकते हैं ऐसा टॉप है. बहुत ही चीप फैब्रिक है बहुत स्टिचिंग बहुत चीप है कुछ लुक नहीं है. साइड में आपको ऐसे नो शो जिप मिलेगी जिससे आप इसको वे कर सको. वैसे पॉलिएस्टर है बट बहुत थिन है तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये जस्टिस नहीं करता वॉश इट नहीं है मैं रिकमेंड नहीं करूंगी बट फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं इसको. तो मैंने इसको वेयर कर लिया है यू कैन सी कि कितना ज्यादा ढीला ढाला है. लाइक मेरे को ना बेल्ट लगाने की नीड पड़ रही है बिकॉज ये बहुत ही लटक लटक के जा रहा है और आगे से भी ये फ्लैटरिंग नहीं लग रहा. आप देख सकते हो जो बॉटम वेयर है ये इसका लुक बहुत ही अजीब सा आ रहा है बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है.
तो मैं बोलूंगी कि अपने परफेक्ट साइज में ना बाय करके साइज स्मॉलर बाय करना. ओके एंड अपर ये बात करें तो अपर भी देखो इतना ढीला, लाइक बहुत ही ज्यादा गैप है, और बैक से भी आप देख सकते हो कितना ढीला है, और ये बॉटम भी बहुत ढीला ढीला है. तो इसकी वजह से जो लुक है बिल्कुल भी बॉडी पे वो फ्लैटिंग नहीं लग रहा है. सो फैब्रिक की बात करें, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छा है. अगर ये साइज एक फिट होता या स्मॉलर होता या मुझे बिल्कुल फिट होता ना, परफेक्ट साइज होता, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता. तो लाइक अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं. एज सच मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं करूंगी कि यार इसको बस बाय कर लो, ये वो ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज यार मुझे फैब्रिक तो पसंद आया, बट इसका लुक ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी का लेके फिर पहन लिया जबरदस्ती, पता नहीं क्यों. और बाकी मैंने ट्राई किया है थोड़ा अच्छा लुक के लिए, लेकिन स्टिल यू कैन सी अच्छा नहीं लग रहा. सो गाइज दैट्स ऑल, ये था आज का हमारा मीशो कोड से ढोल. कैसा लगा प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई नो कि आज के पीसेस से आप इतने खुश नहीं होंगे, बिकॉज कुछ पीसेस ऐसे थे जो मैंने ट्राई किए बट इतने अच्छे नहीं निकले वो. कोई बात नहीं, होता रहता यार. मैं ये चाहती हूँ कि आपके साथ ये चीज ना हो, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया. इससे क्या होगा ना कि आप ये चीजें परचेज नहीं करोगे. ओके सो यार चलो गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई लव यू, बाय.